दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत कई जगहों पर छापा पड़ा। उसके बाद लगातार सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल उठा रही है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और इस मामले में पूरी तरीके से सियासत अब कह सकते हैं चारों तरफ घूम रही है। और सवाल यहां पर शमशी जी आपसे भी है, बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं दुरुपयोग करने के, लेकिन कई जगहों पर आपके यहां पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं। बड़ा सवाल ये कि ये जांच की आज आप तक क्यों नहीं पहुंचती है? मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, पहले भी मैंने कहा है कि देखिए सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे देश की जो भी संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र होती हैं, उनके ऊपर सरकार का दबाव नहीं होता, उनको जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के भी किसी मंत्री के अगर चाहे तो जांच कर सकते हैं, नहीं सरकार की भी चाहे तो जांच कर सकते हैं। को लेकर टिप्पणी आपको याद होगी, आप बात फिर वही बात है, इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्ट नहीं कर रहे, मैं याद दिला रहा हूं। ये सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे ऐसी कोई भी संस्था हो, इनको जो है पूरी आज़ादी होती है पूरी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इनको पूरी आज़ादी होती है कि देश में किसी की भी जांच कर सकते हैं, किसी के खिलाफ भी अगर अपराध है। जांच तभी होती है जब चुनाव होने वाले होते हैं। चुनाव तो आप जो चुनाव देखिए इतना बड़ा मैटर हुआ, वहां पर आपकी सरकार है और वहां पर कितने लोग, विपक्ष का मुद्दा है चुनाव, हमारा मुद्दा चुनाव नहीं है, हम चुनाव को आप लोग नहीं उठाते, हमारा मुद्दा ही नहीं है। बात तो ये होती है कि सरकार की जिम्मेदारी खाली कह दी जाती है कि सरकार का काम है, बात यह है कि सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई के खिलाफ जाना चाहिए, इनको चाहिए कि सीबीआई को चैलेंज करें, आम आदमी पार्टी को चाहिए, इनको चाहिए कि सीबीआई को चैलेंज करें, ईडी को चैलेंज करें कि बार बार अगर जांच कर रही है अगर उनके खिलाफ नहीं कुछ मिल रहा है तो उनके खिलाफ केस करना चाहिए, है हिम्मत तो भाई जाके सीबीआई तो उसी के इशारे पर काम करेगी ना, नहीं ये सरकार के इशारे पर ही काम करेगी। और यहाँ पर तो सिफारिश किया है एलजी ने, ये बात अगर आप जर्नलिस्ट और पत्रकार होने की वजह से कह रही है तो आपको पूरी आजादी कहने की, मैं आपको रोकूंगा नहीं भाई, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चैनल के इस वक्त एंकर है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार का दबाव सीबीआई पर है तो आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि सरकार का दबाव किसी ऐसी संस्था पर हो जिसका नाम सीबीआई और ईडी होता है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ये चाहे तो सरकार की भी जाँच कर सकती है, सरकार के किसी केंद्रीय मंत्री की भी जाँच कर सकती, इनके पास संविधान ने पूरा अधिकार, ऐसा होता है, ऐसा खूब होता है, जब आपको दिखेगा तब आप कहेंगे, जब हमारे यहां अपराध है नहीं, हमारे यहां भ्रष्टाचार है नहीं, तो आप कह सकती हैं, आपको मौका है कि भाई अभी तक सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं की, ये आप कह सकती हैं, क्योंकि विपक्ष का जब सत्ता जाती है, आपके अगर किसी नेता का नाम सामने आता है तो आप लोग साइडलाइन कर लेते हैं, श्रीकांत त्यागी साइडलाइन, हम पहले से साइड हो गए कि नहीं, श्रीकांत त्यागी के पास कोई पद था ही नहीं तो हम साइडलाइन क्यों नहीं करेंगे भाई, वो छोटा सा मुद्दा था उसको बड़ा मुद्दा बनाया गया विपक्ष, सारा विपक्ष, यहाँ तो मैटर ये कि ऐसे सारे कांग्रेस ऐसे सारे मतभेद रहते हैं, महेश शर्मा कांग्रेस के, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी किसी का नाम आता है तो सारा विपक्ष एकजुट होकर मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। महेश शर्मा किस पार्टी के? लेकिन होता यह है कि जब जांच होती है, जांच में जब आप क्लियरेंस मिल जाता है, क्रांति क्यों नहीं बचा पा रहे, केजरीवाल ये आप पर आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठाने का दावा वो करते हैं और आप बात बचा नहीं पा रहे। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में उनके खिलाफ कौन सा आरोप लगा दिया, आप ही बता दीजिए भाई, हमने अगर लगा कहा कि भाई दिल्ली बहुत खराब चल रहा है तो आप बताइए। बात तो यहाँ हो रही है जो शराब माफियाओं को इन्होंने अनवरत ठीका दिया, जो शराब माफियाओं का यहाँ पर लाइसेंस दिया है, उसका मामला है यहाँ पर। वंशराज जी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो शराब पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग तो शिक्षा नीति अलग से ले आ रहे हैं, यहाँ पर तो शिक्षा नीति की बात ही नहीं हो रही और बार बार आप लोग शिक्षा नीति पर आ जा रहे हैं, उसकी भी जाँच होगी, उसकी भी जांच करवाने की बात वो लोग कह रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है कि इनको ऐसे भी जानकारी नहीं है क्या घोटाला हुआ है, इतनी देर से मैंने इनको अपना टाइम दिया था, फिलहाल उसको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज ये है कि तीन टाइप की मरोड़ इस समय भारतीय जनता पार्टी के पेट में है, तीन मरोड़, और उसका इलाज अरविंद केजरीवाल जी करेंगे 2024। पहला मरोड़ क्या है, मरोड़ नंबर एक ये है कि किस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल जी के जो विकास मॉडल के दो मजबूत स्तंभ है, इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा, स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल। पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के ऊपर अनाप शनाप केस करके उनको जेल में डाल दिया कि एक इनका एक स्तंभ कमजोर पड़ जाए। दूसरा शिक्षा मॉडल जो मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री है जिनकी चर्चा आज हिंदुस्तान के बाहर भी हो रही है, उसको ये गिराना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद तीसरे स्टेट गुजरात में ना जा सके, जहां पर इनकी चूल्हे हिलाने की तैयारी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कर चुकी है। नंबर दो मरोड़ क्या है, नंबर दो मरोड़ यह है कि इस सीबीआई के रेड के ठीक दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी मेक इंडिया नंबर वन एक कार्यक्रम एक मिशन की घोषणा करते हैं, उसमें 130 करोड़ लोगों का आह्वान करते हैं कि आप सब आइए हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र हमको बनाना है,
नंबर दो मरोड़ इनकी ये है। नंबर तीन मरोड़ क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता जिस तरीके से लगातार पूरे देश में बढ़ रही है, उनके मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है, तो अब कैसे भी करके नरेंद्र मोदी जी को उनके पांव को रोकना है पकड़ के। अब आप आ जाइए घोटाले की जिसकी जानकारी शराब नीति पर बात कीजिए ना, बीजेपी सवाल उठा रही है कि अगर आपकी नीतियां ठीक थी तो फिर उसे बदल क्यों लिया गया। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए पहली चीज क्या है कि 48 घंटे पहले एलजी साहब ने अपने अलग से मीटिंग करके इस पूरी नई पॉलिसी को वापस लिया। जो पुरानी पॉलिसी थी, इस बात को इनको समझाइएगा, उसमें 850 दुकानें थी। जो नई पॉलिसी आई उसमें 846 दुकानें, यानी चार पहले से कम थी। नंबर दो, 144 करोड़ का जो मामला है उस मामले की जानते नहीं है, क्योंकि क्या है कि इनको भेज दिया गया है मुर्गा बना के कि जाओ भैया तुम कटो। अब इनको जानकारी तो है नहीं कि भाजपाई कैसे फंसा देते हैं भैया, ये सामने सब है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सब आजकल गूगल पे सब रहता है। अरे तीन धारा है, सब सामने है, आप बता लीजिए। बहुत ज्यादा आप जान लेके आए, आप सफाई दीजिए। आप क्या घोटाला, आप अपनी सफाई दीजिए। बस आप सफाई नहीं दूंगा मैं, बस आप अपनी सफाई, आपको सफाई नहीं दूंगा भाजपाइयों को। नहीं नहीं, आप सफाई, शराब की तस्करी कर रहे हैं गुजरात में, उनको सफाई नहीं दूंगा। हमने पहले ही बताया ना कि भाई पंजाब में जब आपका कारोबार सफाई नहीं दूंगा, वही नीति यहाँ पर लागू करने की कोशिश की, क्योंकि पंजाब में शराब की बिक्री आपने ज्यादा कर दी। शराब की बिक्री आपने पंजाब में ज्यादा कर दी, वहाँ पर आप शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, ऐसा कोई मॉडल पंजाब में नहीं दिखा पाए, और आपने वहाँ शराब का मॉडल दिखलाया। वही मॉडल लेके आप दिल्ली भी आ गए, और दिल्ली में यहाँ पर आपने डिप्टी सीएम आपके मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से लगातार पैसा लिया शराब माफिया से, आप उसकी बात करें क्या, आपके डिप्टी सीएम ने किस तरीके से गलत नीति का यहाँ पर उपयोग किया है। सवाल वो है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में शराब तस्करी कर रहे हैं। बेचैनी क्यों है भाई, हम तो कह रहे हैं बेचैनी क्यों है। आप सबसे बड़ी चीज, आप अगर दूध के धुले हैं, आप सच्चे हैं, आप परोपकारी हैं, तो आप सीबीआई और उनकी जैसी संस्थाओं का जो है सहयोग करिए। इनके नेता मंत्री पकड़े जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश की तमाम हिला रहे हैं, अपनी चूल बचा नहीं पा रहे। आप बता रहे गुजरात पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए, हम लोग पकड़े गए। अभी बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, और जनता समझ चुकी है आपके काले कारनामों का चिट्ठा लगातार लगातार खुलता जाएगा। ये पहली गांठ थी, ये आपके अपराध की, ये भ्रष्टाचार की, ये षड्यंत्र की पहली गांठ थी जो सीबीआई ने खोला है, और लगातार पर्दाफाश अब आम आदमी पार्टी का जो करते जाएंगे। दूसरा देखिए, ये अज्ञानी लोग हैं, इस कदर है, इस बात को आप सॉरी समझिए कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो अपनी रिपोर्ट दिया, ये उसका खंडन करने लगे कि ये तो फोटो दिल्ली की है ही नहीं, ये फोटो तो जो है कहीं और की लेकर चले आए। शाम तक एक गैलन कालिख न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनके कार्यालय पर भेजा कि बारी बारी से जाके मुंह पे कालिख लगा लो। ये लोग बहुत बड़े लोग बनते हैं, बहुत धन्ना सेठ लोग हैं, ये भी अपनी खबर छपवा ले, पैसा देकर छपवा ले खबर, दिख रहा है दिल्ली का विकास, दिल्ली का मॉडल पूरा देश देख रहा है, ये अपनी खबर नहीं छपवा, पूरा देश देख रहा है जो गलत फहमियां जनता के बीच। सवाल यहाँ पर ये भी है कि आप पाक साफ है तो ठीक है, जांच हो जाने दीजिए, कुछ निकलने तो वाला वैसे भी नहीं है। देखिए स्वाति जी, एक छोटी सी बात मैं करूंगा, उसके बाद खत्म कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभी 10 मुकदमे करवा दूं, अपराध के, हत्या के, बलात्कार के, छिनैती के, डकैती के, ठीक है। अब उसके बाद रोज नरेंद्र मोदी विवेचना करें और सारा विपक्ष कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने हत्या की है। आप बताइए, आपने हमारे ऊपर 40 मुकदमा किया, 40 विधायकों के ऊपर, आपने मनीष जी के ऊपर 3 बार सीबीआई का छापा मारा, सत्येंद्र जैन जी के ऊपर ईडी का छापा मारा, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो है छापा मारा, संजय सिंह जी को ऊपर इसी लखनऊ, इसी उत्तर प्रदेश में 22 मुकदमे कर दिया। जो है आरोपों से अपना बचाव कर रहे हैं, अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं। दूसरा, या ज्ञानी प्रवक्ता को मैं बता दूं, नहीं नहीं, बड़ी बेशर्मी से, हमने तो आज तक इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा कि बेशर्मी से अपनी पार्टी का बचाव करते हुए पहली बार देख रहा। आम आदमी पार्टी को मैं समझता था कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग आम आदमी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, ये देश के लिए शर्म करने वाली बात है, ये देश के लिए शर्म करने वाली बात है। नहीं मनोज जी, जो निष्ठा वाली बात कर रहे थे वो हमारे ख्याल से शब्द, इनको आपके ऊपर करना था, गलत जगह में फिट कर दिया। भ्रष्टाचार पर छापेमारी वर्सेस ईमानदारी की बात की जा रही है लगातार, और आपका समर्थन है आम आदमी पार्टी को कि नहीं? देखिए शमशी जी, आप जस्ट धैर्य रखें, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूँ, सारे अपने पैनल के साथियों को सुन रहा हूँ। सच्चाई तो ये है स्वाति जी कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है, वो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती।
नई दिल्ली में हो गया है सर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस हिंदुस्तान की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव जो हमारे देश की ख्याति थी आज उसको जिस तरीके से नष्ट किया है और उसकी जगह पे नफरत हिंसा मॉब लिंचिंग डर और दहशत का माहौल बना करके जिस तरीके से हमारे देश की खूबसूरती को और दुनिया के सबसे शानदार जानदार संविधान को लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को हमारे आरएसएस के इशारे पे ख़त्म करना चाह रही है वो तो निश्चित तौर पर इन्होंने भरसक पूरा पूरा प्रयास कर लिया है। अब इनका खात्मा होना 2024 में बिल्कुल निश्चित है। बिहार से जो हमारा महागठबंधन हुआ है इनके साथ है जो महागठबंधन हुआ है ये जो कार्रवाई हुई है आप इनके साथ हैं या फिर नहीं? स्वाति जी क्योंकि 2012 का वक्त याद होगा आपको जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त आंदोलन चल रहा था अन्ना का और आपकी सरकार गिर गई थी। जी अब वो समय आ गया है कि संपूर्ण विपक्ष को अपने संकुचित मानसिकता और छोटे मोटे स्वार्थ के से ऊपर उठकर इस देश को बचाने के लिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए साझी विरासत को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा क्योंकि आरएसएस इस देश के आज अभी 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये वही भाजपा आरएसएस के लोग हैं जो 62 साल तक अपने जो है मुख्यालय पे वो तिरंगा नहीं पहनाया। वही भारतीय जनता पार्टी वही भारतीय जनता पार्टी के लोग वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलाती है देश सत्याग्रह आंदोलन करते हैं संग्राम गांधी को बुलाया जाता है। अगर तिरंगा यात्रा निकलती है इनके कलेजे पे सांप लौट जाता है सांपे रुक जाती है। कांग्रेस ने हमेशा देश को छीनने का काम किया घटिया तरीके से राजनीति कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से देश को लूटने की राजनीति देश को सब देख रहे हैं खत्म हो गई है कांग्रेस। अरे आपके नेता को चाहिए था राहुल गांधी को चाहिए था तिरंगा उठाते खत्म हो गए प्रियंका गांधी का जो नारा था महिला हूँ कांग्रेस नारी हूँ औरत लड़की हूँ लड़कियों की रैली निकालते तिरंगा हाथ में होता तिरंगा अपने घर का समझा कि ये देश हमारा है और ये तिरंगा हमारी वो जो है धरोहर है। वंशराज जी मनोज जी उससे पहले मैं आपको ले लेती हूँ। मैं इन लोगों से एक ही बात कहूंगा और तथ्यों पे बात करूंगा मुझे कोई कहानी नहीं कहनी। अरे हो गया बस भारत माता की जय तिरंगा यात्रा जिंदाबाद। ईडी ने 5200 से ज्यादा केस दर्ज किए अभी हाल ही में मोदी जी की सरकार जब से बनी रिजल्ट आया है मात्र 50 पे परसेंटेज। आप देख सकती हैं कि ईडी का रेशियो क्या है किसी भी जांच को करके पूरा करके आरोप सिद्ध करने में। मैं मेरे ख्याल से वो कितने परसेंट हुआ आप खुद देख सकते हैं शायद 1% भी नहीं आ रहा। आरोप लगाना एक 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 है कि प्लीज 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 अरे चलो अभी रुक जाओ पहले हम बता रहे 5200 केस दर्ज किए 50 पे आप फैसला कर पाए यानी कि वो कितने प्रतिशत हुआ पढ़े लिखे हो समझ जाना। गाय का मांस बेचो तुम भाजपा के नेता की बिटिया बेचे और उस पे दारू पिलाए लाइसेंस भी ना ले और बाहर का ऐसे करे अवैध धंधा और कौन है दोषी? आप पार्टी वाले समाजवादी वाले कांग्रेस वाले बहुत अच्छा कौन है? बहुत सही स्मृति ईरानी बिटिया तो है ना कौन सी जांच करा लिए जनता जानना चाह रही कौन सी जांच। गाय का मांस समझ रहे हो ना जिसकी पूजा करते हो योगी जी जो समय समय फोटो लगाते हैं गाय माता और जिनका जो दुर्दशा कर रहा है। चलो ठीक उत्तर प्रदेश में दुर्दशा थी ठीक थी गाय में गोवा में तो उनकी जो स्थिति पहले से थी लेकिन कौन बेच रहा है? भाजपा कैबिनेट मंत्री की बिटिया दारू बेचे बिटिया और आप आरोप लगाते हो दूसरी पार्टी। मैं आता हूं कितने जांच वाले आप कितने अच्छे हो 5-5 मंत्रियों को गृह राज्य मंत्री का बेटा गृह राज्य मंत्री के इशारे पे किसानों की हत्या कर देता है और आप कौन सी जांच कराते हो? एक इस्तीफा तक ले नहीं पाते हो बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी फिर आओ यहां तक होता तो ठीक है 11-11 12-12 बलात्कारी और हत्यारे आरोपियों को
जो बिल्किस बानो केस के सुप्रीम कोर्ट, वो भी सीबीआई के दर्ज केस को, जिसपे सीबीआई की कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास दिया था, हैंड टू टिल नहीं किया था, फांसी नहीं चढ़ाई थी, उनको किसने बचाया? बीजेपी ने। 15 अगस्त के दिन किस मुंह से आप जांच की एजेंसियां भेजते हो, किस मुंह से? थोड़ा सा मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए कि हम बेशर्मी का कौन सा लबादा ओढ़ के आज भारतवर्ष में, उस भारतवर्ष में जहां सर्वधर्म संभव है, जहां एक दूसरे को लोग पसंद करते हैं, इस तरह की बातें करते हो? सब कुछ सामने है जनता के, एक्सेप्ट कर लीजिए, आप जांच कराइए, जो दोषी है उसको जेल भेजिए, कोई नहीं रोकेगा। सभी पे जांच हुई है, समाजवादी पार्टी छूटी नहीं है, आरजेडी छूटी नहीं है, आरएलडी छूटी नहीं, कांग्रेस छूटी नहीं है, लेकिन अनावश्यक किसी को अगर आप बदनाम करते हो तो जांच महेंद्र सिंह की भी होनी चाहिए, क्योंकि वो घोटाला अगर 147 करोड़ का है तो वो तो घोटाला 30,000 करोड़ का था, उसकी जांच कौन कराएगा? राफेल की मैं बात नहीं करता, पता नहीं वो कब होगी जांच, उसके बारे में बड़े लोग बताएंगे, लेकिन यूपी की तो करा लो, अगर दिल्ली छोटे जैसे केंद्र शासित राज्य की जांच करा रहे हो, कब कराओगे, क्यों कराओगे? आप आरजेडी पे मुकदमा दर्ज करते हो, नए मुकदमे उनके दोनों उप मुख्यमंत्री और विधायक पे मुकदमे दर्ज करते हो, बीजेपी वाले पे कब करोगे? और तुम्हारी हैसियत इसलिए नहीं, इसलिए सीना ठोक के कर रहा हूं, मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र बनारस, और वहां जीतता कौन है पता है? एमएलसी का चुनाव, एक माफिया, यानी कि कौन आपकी सरकार में हावी है? माफिया तंत्र। आपका नेता नहीं हावी है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी ऑनेस्टी नहीं हावी है। जौनपुर का कौन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता है? एक माफिया, उसकी पत्नी। हारता कौन है? बीजेपी। आप अपनी इस तरह की बातें टीवी चैनल पर ना करो तो ज्यादा अच्छा। इतनी ज्यादा हो रही है कि रेवड़ी और बेवड़ी की सरकार बता दिया है। वंशराज जी, अब तो इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, क्या देंगे इस्तीफा? देखिए, वो आप गोली मारो वाले जो सुपरस्टार हैं, उनकी बात मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, क्योंकि उनके संस्कार कैसे हैं वो पूरा देश जानता है। दूसरी चीज, जिस शिक्षा मंत्री पे आज मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा गर्व होना चाहिए था, अब आप उनके घर पे सीबीआई का छापा मरवा रहे, तो आपकी मानसिकता तो सब जग जाहिर है। लेकिन देखिए, यहाँ पर सब जो सारी चीजें हैं उसका लब्बो लुभाव, अब चूंकि डिबेट आखिरी पड़ाव में है, यहाँ पे अज्ञानी प्रवक्ता भी बैठे हैं भाजपा के जो बता नहीं पाए, लेकिन मैं उसको अब साफ कर दे रहा हूँ कि तीन चीजों को उदाहरण में देता हूँ। रेलवे का एमसीडी जो दिल्ली में है, रेलवे जो भाजपा के पास है, एमसीडी जो भाजपा के पास है, और अरविंद केजरीवाल जी की जो नई पॉलिसी आई है रेलवे में, आपको मालूम है कि ये भी जो कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम वेंडर्स जो थे रेलवे स्टेशन पे, उन्होंने सरकार से गुहार लगाया कि हम आपको जो पैसा दे रहे थे, लेकिन जब लगातार दुकानें बंद चल रही तो हम हर महीना आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, उसमें आपको कमी करनी पड़ेगी, तो उसमें आपको छूट देनी पड़ेगी। तो सरकार ने बकायदा रेलवे विभाग ने उसमें उनको छूट दिया, नंबर एक। नंबर दो, आ जाइए एमसीडी में। दिल्ली के अंदर एमसीडी में तमाम तरीके की टोल प्लाजा है, जहां पर उनके बीच में जो साइन हुआ था, जो भी पैसे के लेन देन की साइन हुई थी हर रोज की, जब लॉकडाउन हो गया तो गाड़ियों का आवागमन कम हो गया, तो वो लोग गए कोर्ट, तो कोर्ट से उनको राहत मिली और एमसीडी ने 85% की छूट उनको दी कि भैया ठीक है, अगर आप 100 रुपए कमाते थे तो आप हमको सिर्फ 85 रुपए अपने पास रखो, हमको सिर्फ 15 रुपए वापस करना। ठीक यही चीज नई पॉलिसी में हुई, जब शराब नीति नई वाली बनी, उस समय भी लॉकडाउन चल रहा था, 1 करोड़ रुपए पर डे देना चाहिए था, 9,000 करोड़ रुपए का सालाना सरकार को लाभ होना था, लेकिन आप सोचिए जब लॉकडाउन हो गया, दुकानें तमाम बंद हो गई, तो उस समय ये लोग सारे लोग चले गए कोर्ट, जब कोर्ट गए तो कोर्ट से इनको राहत मिली, कोर्ट ने कहा कि आपको इनको रिलीफ देना पड़ेगा। और जिस पॉलिसी की बात वंशराज जी आप उठा रहे हैं, पहले 6,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलता था, नई पॉलिसी में नुकसान हो रहा है, ये बात बीजेपी लगातार कह रही है। जिस राजस्व को बढ़ाने की, रेवेन्यू को बढ़ाने की बात आप कर रहे थे, उससे तो नुकसान मिल रहा था, बीजेपी इस बात का दावा कर रही है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, कहाँ नुकसान है आप बताइए, आप बताइए। 9,000 नहीं, मैं ये जो आप समझिए इस बात को, 6,500 करोड़ रुपए में पिछली बार पिछली पॉलिसी पिछली दुकानें बिकी थी, इस बार 9,500 करोड़ की हो रही, कहां भाई नुकसान हो रहा है? और हम अपने रिश्तेदार को मैं कहता हूं, अगर 147 करोड़ का नुकसान है तो उस पर जांच कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर जो दोषी है उनको जाना भी चाहिए। मैं एक लाइन कह लूं, नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, बड़े फायदे गिनाए गए थे इस देश के सामने, बड़े, वो झोला वाला डायलॉग भी उसी समय का था, कितना फायदा हुआ देश को, किस स्थिति में फायदा हुआ, अगर फायदा हुआ तो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल पे बताएं। इस देश में जाने गई हैं,
जाने, आप तीन बिल किसानों के लेके आए थे, कह रहे थे बड़ा फायदा होगा किसानों का, वो लागू नहीं हुआ, वापस करना। ठीक है, जब आज में क्या मिला किसानों जी, को? जब आप पर बात आती है 700 किसानों की हत्या, मौतें और शहीद हो गए, वो क्या फायदा हुआ? सरकार जांच कब कराएगी? नोटबंदी यही फायदा होगा, समाजवादी आपकी सरकार बन गई थी, आपकी सरकार बन गई, जो माफिया नोटबंदी का मतलब आपकी सरकार बन गई करते थे समाजवादी पार्टी, ब्लैक एंड व्हाइट आतंकवादियों को फंडिंग करते थे, फेयर एंड लवली हो गई, पहले इनको नुकसान हो गया, गजब हो गया, कारोबार हमारा कोई कारोबार नहीं, खत्म हो गया, हम एक ही सत्ता विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल है, सत्ता की परेशान न हो, माफिया हम विपक्ष में भी अच्छे हैं, पुलिस का काम लेकिन आसान कर दिया है, कांग्रेस के लिए विपक्षी पार्टी कौन है, बीजेपी है या फिर आप नेता गूंगे अखिलेश आपको दिखाई देना चाहिए, क्यों एसी में बैठे रहते हैं, क्यों एसी में बैठे रहते हैं, बातें करो चाहिए उनको भैया, क्या इतने वाली बात भैया, एसी में बैठिया को कार्रवाई नहीं करोगे, इनके साथ के लोग बेसरमी के संबंधी, इनके संबंधी बेसरमी अच्छी नहीं लगती, इनके पर आरोप लगाते हैं कि एसी में बैठ के खाली बयान मैया गैया और भैया बेचे कच्चा माल, ये समाजवादी पार्टी को गजब है, दारू ऊपर से दारू भी बेचोगे, माफियाओं का गुंडों को संरक्षण देके दोबारा कुछ भी कर लो, लेकिन कोटी चोर जिसका जिसका मुखिया मैया का मांस बेचने वालों पे कर रहा हूं, कब टोटी चोरी करता हूं, कौन के कार्यकर्ता यहां पर लेके तो आए थे, क्षमा ही चाहिए देश के गाना का पशुमार, अच्छा आप आपके आने वाले नहीं आ रहे होंगे, आने वाले क्योंकि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए हो सकता है आगे जात पे, हम आ गए जात पे, हम आ गए मुसलमान और हिंदू करने के, हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के मानसिकता, आप जवाब नहीं दे रहे हो, भारतीय देश मैंने 20 बार कहा गाय माता गाय माता, आपने गैया माता पे कोई बात ही नहीं की, आपने अपनी गंदी मानसिकता का जो परिचय दिया चैनल पर हिंदू मुसलमान करके, ज्यादा मुसलमान आपके नेता में चले गए, वो वाली ना हमेशा मुसलमान भैया, आपने हमेशा भारत भैया कर बेचे गाय माता का के साथ जा रहा है, तो आप नहीं समझ नहीं हो रहा है, आपकी सत्ता खत्म गई, रामपुर में मुसलमान आपके साथ हो गए, आप मुसलमान नहीं, बात बता रहे हैं आप सबने अपनी अपनी तरह से ये अपने पक्षों को बखूबी रखा है, देखिए एक दूसरे पर प्रहार बयान है, कौन सा पर प्रहार मत कीजिए प्लीज, तो आप ये बताओ ना देवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल नहीं बेचते, बहुत कम है, कांग्रेस के लिए विपक्ष कौन है, आम आदमी पार्टी, आप बोलने के लिए अखिलेश यादव को बयान देना, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने बखूबी अपना पक्ष रखा, बहुत प्रहार भी किए एक दूसरे के ऊपर, इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत।